तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपने पीसी में डॉल्बी एटमॉस फॉर गेमिंग के ड्राइवर्स को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, ड्राइवर्स वगैरह तो सब इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन ऐप का मसला आ जाता है। ठीक है, आप ऐप ओपन करते हैं तो वो वर्क नहीं करती, वो कहती है प्लग योर हेडफोन्स। हालाँकि आपने हेडफोन्स वगैरह अपने लगाए होते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो यहाँ से मैं अपनी ऐप को जब ओपन करता हूँ तो उसके बाद देखें आप क्या लिखा आता है, प्लग हेडफोन्स और स्पीकर्स इन टू द सिस्टम ऑडियो। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो इसको पहले आपने इस ऐप को अनइंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, ऐप्स एंड फीचर में जाके जहाँ पे भी पड़ी है इसको अनइंस्टॉल कर लें यहाँ से। ठीक है, इसको अनइंस्टॉल करने के बाद आपने ड्राइवर को अनइंस्टॉल, ठीक है, इसके जो भी ड्राइवर वगैरह आपके पास पड़े हैं ना डॉल्बी के, तो मैनेज में जाना है, डिवाइस मैनेजर में जाना है, यहाँ से अपने साउंड्स में जाना है और यहाँ से अनइंस्टॉल डिवाइस कर देना। ठीक है, उसके बाद डिलीट पे क्लिक करके अनइंस्टॉल कर लें इसको। उसके बाद एक बार अपने पीसी को रिस्टार्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ से यस करके पीसी को रिस्टार्ट कर लें। उसके बाद आपने अपनी स्क्रीन पे आना है, फिर यहाँ पे स्टार्टअप बटन पे जाना है, यहाँ पे अपने सेटिंग पे क्लिक कर लेना। ठीक है, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद अपने अपडेट सिक्योरिटी में, फिर उसके बाद फॉर डेवलपर्स में चले जाना है, फिर यहाँ से अपने डेवलपर ऑप्शन ऑन कर लेना है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद डेस्कटॉप पे वापस आएंगे। डेस्कटॉप पे वापस आने के बाद आपने एक बार चेक कर लेना है कि आपके ड्राइवर वगैरह जो है अनइंस्टॉल हो गए हैं कि नहीं। ये आप देख सकते हैं हमारे ड्राइवर वगैरह अनइंस्टॉल हो चुके हैं। अभी आपको मैंने एक लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में रियल टेक के ड्राइवर का। ठीक है, तो वो आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना और इस रियल टेक ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, अपने रियल टेक ड्राइवर को इंस्टॉल करके एक बार उसके बाद पीसी को रिस्टार्ट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब आपका पीसी बूट होगा तो आपने सर्च में जाना है, सर्च में आके यहाँ पे लिखना है आपने चेंज एडवांस स्टार्टअप ऑप्शन का ऑप्शन होगा, इस पर आपने क्लिक करके रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर लेना। ठीक है, रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह सा कुछ आएगा। ट्रबल शूट पर क्लिक करें, एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करें, उसके बाद स्टार्टअप सेटिंग्स पे क्लिक कर लेना आपने। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपने रिस्टार्ट कर लेना, जो जो मैं कर रहा हूँ आप करते जाएँ, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, रिस्टार्ट कर लें यहाँ से। रिस्टार्ट करने के बाद आपने यहाँ से F7 या 7 को दबा लेना अपने कीबोर्ड से। ठीक है, ये आप देख सकते हैं हमने 7 नंबर वाला ऑप्शन जो है इसको डिसेबल करना है, तो 7 दबा लें। उसके बाद आपका पीसी दोबारा से ऑन हो जाएगा। उसके बाद अब हमने डॉल्बी के ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना है। ठीक है, इस तरह से आपने मैनेज में जाना है, डिवाइस मैनेजर में आना और यहाँ से रियल टेक पे क्लिक करके अपडेट पे क्लिक कर लेना। ठीक है, फिर यहाँ से नीचे से ब्राउज कर लें और नीचे से लेट मी पिक पे क्लिक करके हैव डिस्क पे क्लिक कर लें। यहाँ से फिर आपने ब्राउज कर लेना आपका ड्राइवर जहाँ पे पड़ा है। ठीक है, मेरा ड्राइवर जो था डेस्कटॉप पर पड़ा हुआ डॉल्बी का, तो इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा। यहाँ से अपने ड्राइवर में जाके इस पर डबल क्लिक करके, ठीक है, ओके कर देना। यहाँ से ओके करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से फिर यस कर देना। यस करने के बाद आपने फिर इंस्टॉल दिस ड्राइवर पर क्लिक कर देना और क्लोज कर लेना, आपका ड्राइवर हो गया इंस्टॉल। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारा ड्राइवर वगैरह जो है इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन अभी हमने ऐप को इंस्टॉल करना है। ठीक है, इसको इसी फोल्डर को ओपन करें और इसमें ऐप पड़ा होगा तो ऐप को ऑन कर लें, इसको अनचेक करें, इंस्टॉल करें इसको। ठीक है, तो इंस्टॉल हो गया, अभी हम इसको लॉन्च करके देखते हैं कि हमारा ऐप वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, इसको मैं लॉन्च करता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा ऐप वगैरह वर्क कर रहा है। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम आपको दिखाया था वर्क नहीं कर रहा था, लेकिन अभी वर्क कर रहा है। तो इसी तरह से आप अपने डॉल्बी एटमॉस और गेमिंग ड्राइवर को और उसके ऐप को चला सकते हैं, ठीक है, ईजिली। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिए, और कमेंट वगैरह करके भी बता दें अगर कोई और मसला वगैरह आता, तो मैं वो भी उस वाले से भी आपके लिए वीडियो वगैरह लेके आ जाऊँगा। ठीक है।